आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर की चांदपुर में दिन दहाड़े सशस्त्र बदमाश दिखाई देने से दहशत में ग्रामीण एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने गन्ने के खेतों में की काबिंग। चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चमरोला में आबादी से सटे गन्ने के खेत में दिन में 5 सशस्त्र बदमाश दिखाई देने तथा बदमाशों द्वारा शोर मचाने पर महिला को घायल कर देने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 घंटे तक गन्ने के खेतों में खाक छानी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम चमरोला की जंगल में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों को हथियार बंद संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, 1 सप्ताह सुबह इनके घर में घुसे बदमाशों ने उनकी पुत्र वधू को आतंकित कर 1 लाख से अधिक के सोने चांदी के आभूषण व नकदी लूट ली थी। बदमाशों के लगातार दिखाई देने से ग्रामीण रात में जागकर अपनी सुरक्षा कर रहे थे। सोमवार की दोपहर बाद लगभग 5 बजे गांव की रहने वाली एक महिला अपनी छत पर काम कर रही थी। महिला की निगाह अचानक पीछे गन्ने के खेत में पड़ी तो वहां पर 5 सशस्त्र संदिग्ध लोगों को देखकर दंग रह गई। महिला ने शोर मचाया तो बदमाशों ने खेत में पड़े पत्थर उठाकर महिला के ऊपर फेंके, जिससे महिला चोटिल हो गई। महिला के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दौड़कर गन्ने के खेत को घेर लिया। कुछ ही देर में निकटवर्ती ग्राम मिठनपुर रोनिया के सैकड़ों ग्रामीण वहां पहुंच गए और गन्ने के खेत को घेर लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय को सर, यहां क्या पूरा मामला है? एक महिला ने जो है बताया कि 4-5 बदमाश थे, उन्होंने टोका, एक पत्थर मारा उन्होंने इसके ऊपर, उसके बाद 12 नंबर को सूचना मिली, पुलिस आके काम नहीं कराई, गाँव वालों की मदद से कराई है, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो फिर का 35 नियमों के अनुसार जो है रात में सर जो काम नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए बंद किया जाता है। सुबह एक बार फिर काम नहीं करा। सर कितने बदमाश बताए जा रहे हैं? अभी कहना है कि 4-5 बदमाश थे, अभी इसी सच्चाई पता लगाया जा रहा है कि इसमें क्या है। ठीक, क्या नाम है आपका? अरे रुक जाओ यार, विजेंद्र सिंह नाम है। हाँ, ले ले पहले। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? क्या मामला हुआ यहाँ? मामला यहाँ ये मकान के पीछे आदमी देख रहे हैं, 5 आदमी तो हथियार ले गए जो है हमारे छोटे वाले भाई साहब जो। क्या बदमाश थे वे? हमारे 5 थे वे, उसने देखे वे पीछे जो है, तो उसने जब देखे तो उन्होंने जो ऊपर चौका था कमार दिया, उसके पीछे जा लगा चौका, और फिर रोल मचाई, तो रोल मचाने के बाद में जो है आस पास के गाँव के आदमी इकट्ठे हो गए। चोट किसके लगी है? अमलेश का लगी चोट। फिर क्या हुआ? बस फिर तो ये सारा गांव इकट्ठा हो गया, हल्ला हो गया सारे गांव में। फिर चोर कहाँ चले गए? अब चोर तो ये बढ़ रहे हैं इस टाइम, अभी ये दुनिया भर की फोर्स आ गई है, ये अंदर देख रहे हैं इसमें बढ़ता कोई हाथ तो आना रहा है। एक फेरिंग खोल रहा था, उसकी टक्कर में 2 फेरिंग खोल रहे उन्होंने उधर से,